What's up guys, welcome back to Indireesh Video. आज हम रिएक्ट करने वाले तुम क्या मिले सॉन्ग फ्रॉम द मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी स्टारिंग रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट। और जो टीजर आया था भाई साहब, वो मतलब पूरा मेरे को वैसा वाला वो एरा याद आ गया, जैसे कभी खुशी कभी गम, जैसे कभी अलविदा ना कहना, उस टाइप का। तो अरिजीत और श्रेया घोषाल ने गाना गाया, तो ये देख लो भैया, मतलब की कॉम्बिनेशन ही बहुत गजब है। तो करते हैं साथ में एंजॉय। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, आपको कैसा लगा जरूर बताना। और अब इसी चैनल पे लाइव स्ट्रीम भी करते हैं हर रोज 9 या 9:30 गेम्स खेलते हैं, तो आप लोग आ सकते हो। नोटिफिकेशन भले ही ना है, 1 2 3 गो। सारेगामा कारवा, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस। शूट बहुत ही गजब कर रहा होगा, ये वाली जो लोकेशन होती है ना। बेरंगी शामें आई है तुमसे रंगीनिया। लोकेशन वाइज सुंदर लग रहा है, ये उड़ाइए मैं पैसे। फीके थे लम्हे, अरे जीने में सारे रास्तों की बन गए हो मंजिले, मुश्किलें हाँ है तू ही से या तू ही हो मुश्किलें। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, ये तो वो स्पॉट और मतलब इस गाने में पूरा सूट करते हैं और वो माइंड में भी चढ़ जाती है वो वाली, क्योंकि वो म्यूजिक ही नेक्स्ट लेवल है। प्लस दूसरी चीज, ये जो कॉम्बिनेशन है अरिजीत और श्रेया का, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। लेकिन मुझे एक चीज ये लगती है कि यार ये मूवी बिना वो बहुत टाइम से जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, उस टाइप की हुई, तो फैमिली ड्रामा लेकिन लार्जर देन लाइफ दिखा रही है। कभी अलविदा ना कहना, और उस टाइप की मूवी देखने में भी अलग ही मजा की, फैमिली ड्रामा होगा, बहुत सारी चीज होगी। और करण जौहर का तो आपको पता ही है, जो इनकी मूवीज का प्रोडक्शन होता है। लेकिन जो ये वाला सारा लुक था ना, ये मैंने इससे पहले एक उसमें किया था, वो कौन सा था जिसमें ऐश्वर्या भी थी, रणबीर कपूर भी था, अनुष्का भी थी, दिले मुश्किल में ना वो कहती है ना कि मेरा ना मन है स्नो में जाके, मतलब पहाड़ों पे जाके साड़ी डालना, क्योंकि पुरानी मूवीज में बहुत सारी एक्ट्रेस ने किया है, बहुत प्यारा लग रहा था आलिया भट्ट, बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर, मतलब कि साड़ी में
सुंदर भी लग रही, हॉट भी कहूंगा तो गलत शब्द नहीं होगा, हॉट भी लग रही थी। और कितनी साड़ी भाई, किसने काउंट करी कितनी साड़ी बदली है? और शुरू में जो उसने देखा था जो कोट था उसने पहना हुआ था वही ऐसा लग रहा था रणवीर ने, मुझे लग रहा है बीच उसमें हो गया यार बहुत ठंड है बहुत ठंड। लेकिन डायरेक्शन भी बहुत गजब किया हुआ है इस गाने का, मतलब जिस तरह की जो लोकेशंस चूज करी है प्लस लोकेशन के बाद जो कुछ भी जो डीओपी टीम होती है ना उसने काम बहुत ही नेक्स्ट लेवल किया। भाई जब ये ऐसे स्नोफॉल में ऐसे कट स्लीव ब्लाउज और साड़ी हो ना, मैंने एक शिल्पा शेट्टी का इंटरव्यू देखा था, उसने आलिया ने लहराई ना जब साड़ी वहां पर, नॉर्मली लड़कियां सोचती है ऐसे करे वो करती है उनकी लहराती नहीं है, बहुत चीजें होती है बैंड सीन। लेकिन नहीं मैंने एक वो देखा था, उसने शिल्पा शेट्टी ने बताया था कि जब ऐसे का शूट होती है ना ऐसे एक शेट वो शॉट देगी ये हालत रहती है। और जो बर्फ पीछे से उड़ रही थी वो अलग से आर्टिफिशियल तरीके से वो मशीन में डाल के उड़ाई गई होगी उस तरीके से, बहुत सुंदर लोकेशन हर एक चीज, उनकी केमिस्ट्री बहुत स्पॉट ऑन लग रही थी। लगा बहुत टाइम बाद ऐसी मूवी मतलब बिग उस पे आने वाली है। और सच में मतलब इनकी केमिस्ट्री अच्छी लगी। लेकिन अरिजीत एंड हैट्स ऑफ टू देम, आपको कैसा लगा जरूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना, जितना हो सके कर दे वीडियो को शेयर, लाइक, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।